Hi everyone. Hi guys. Am I audible? Visible? Okay. Hi Anshul. Hi Ashwini. Hi Anisha. So guys, a very warm welcome. And today I am going to start a new chapter. As you know, आपकी लाइब्रेरी क्लासेस अब रिज्यूम हो चुकी है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज अ बायोटेक एप्लीकेशन एंड इट इज अ गाइज अ सेशन नंबर वन. And today we will be discussing biotech application in the field of agriculture. So are you guys ready for today's session? If yes, then फटाफट से comment section में मुझे बता दो. Yes guys, ma'am, we are ready. And one more thing, guys, mark your attendance by liking to this video, audible, visible, सारी बातें मुझे एक ही बार में बता दो. So that we can proceed further. Hi guys, hi Akriti, hi Yashwini. Hi Yogalakshmi, good afternoon guys, good afternoon everybody. So hope everybody is doing well. Chaliye Ankit, ready shadi, chalo let's proceed. Now सबसे पहले the most mandatory part, आपको पता होना चाहिए कौन है आपके teacher, कौन आपको पढ़ा रहे हैं ये topic है ना. तो I am Dr. Chavi and I am PhD in zoology. ठीक है, 5 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट बच्चों को पढ़ाते हुए आफ्टर माय पीएचडी. फाइव से नेट जीआरएफ मेरा क्वालिफाइड है गाइस. दिस इज आवर हैशटैग लाइव स्कूल डे. तो जल्दी से जल्दी गाइस शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स बिकॉज ऑन माय स्टूडेंट्स डिमांड वी हैव स्टार्टेड दिस लाइव डेली वाला सेशन वेयर अपने वो चैप्टर्स हम रिज्यूम करें एंड सारे के सारे चैप्टर्स अब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूं. गाइस आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस सो मेनी क्वेश्चंस इन बिटवीन बट यू हैव टू बी लाइक कि अच्छे से मुझे आंसर्स आप लोगों ने देने हैं. सो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन. आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड आपको उसके आंसर्स देने ही देने पड़ेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट है ना. चलिए मैम की क्लास का ये रूल जरूर रहेगा हमेशा कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर्स देने ही होंगे. ठीक है, हाय शिका, ऑल गुड बेटा. चलो तो गाइज अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. livedaily.me/chat टेलीग्राम चैनल टू टॉक अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. देखो बेटा, नाउ हर वक्त क्लासेस चल रही हैं आपकी. यूट्यूब पे हम आते हैं लाइव क्लासेस. आपको पता है एवरी डे हम लाइव आते हैं, चाहे वो आपका कोई फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो. ठीक है ना, आपने देखा होगा ये चैनल पूरा चलता रहता है. कोई ना कोई एजुकेटर यहाँ पे आपको लाइव दिखेंगे 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 दिखेंगे, है ना. बिकॉज फॉर अस स्टूडेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? अगर देखो गाइज, अगर आप सब लोग एक ऐसी लाइफ में है, आप स्टूडेंट्स हो जहाँ पे यू गाइज आर लर्निंग. आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, अगर आप इस अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पे आए हो, देन डेफिनेट सी बात ये है कि हमें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, ये बात फैक्ट है. तो इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एवरी डे लाइव जाते हैं, एक ही बात होगी. सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास प्लस क्लासेस पे भी ऐसे क्लासेस कंडक्ट होते रहते, स्पेशल पे भी क्लासेस कंडक्ट हो जाते हैं विच इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. काफी स्टूडेंट्स उसको आते हैं, ज्वाइन करते हैं. ठीक है, उनमें से कुछ बच्चे डेडिकेटेड होते हैं. अब जैसे यहाँ पे भी अगर हम बात करें, काफी बच्चे आके सेशंस देखते हैं बट उन सेशंस के अंदर वो हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते. ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे होते हैं, कई बार बीच में चैट शुरू हो जाती है, एक दूसरे पे कमेंट शुरू हो जाते हैं. सो दैट्स द रीजन वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद वन अनदर. बट यही इंटरेक्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन द प्लस प्लेटफॉर्म. आपको पता है अनअकैडमी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो फेमस है फॉर द क्वालिटी एजुकेशन. काफी सालों से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता था, अब नॉमिनल सी कॉस्ट पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑन आवर स्टूडेंट्स डिमांड स्टार्ट किया गया है, वो है सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म जिसको हम प्लस प्लेटफॉर्म कहते हैं. प्लस वाले प्लेटफॉर्म आपके दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है नॉर्मल प्लस प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप जैसे कि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं बायो के, लाइक 10 एजुकेटर हैं लेट्स से, तो सारे एजुकेटर्स अपने कोर्सेज लॉन्च करेंगे. ठीक है, उनको पूरा सिलेबस फिनिश कराना है. ठीक है, एंड दे विल बी लॉन्चिंग देयर कोर्सेज. पहले 1 चैप्टर का कोर्स, फिर 2nd चैप्टर का कोर्स. एंड आपको क्या करना है, आप उनके लाइव सेशंस में जाके बैठ सकते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. उनके जो सेशंस होंगे वो ऐसे होंगे जिसमें आप यू कैन आस्क वन आफ्टर अनदर क्वेश्चंस. ठीक है, उसके अलावा लाइव सेशंस के अंदर एक अलग वे में पढ़ाया जाता है जो आपको पता है इंटरेक्टिव वे है. आप बच्चों टीचर्स पूछ सकते हैं, आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो इस तरीके का. ऐसा ही एक और प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाता है एक पर्सनल मेंटर. जिस तरह हम लोग जब पढ़ाई तो करते हैं बट अगर हमें एक मेंटर मिल जाता है, कोई हमें समझाने वाला मिल जाता है, तो उससे अच्छी तो कोई बात होती ही नहीं है.
ठीक है, जो अगर हमें बताए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, भाई उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, अब आपको एक बात बताओ, स्टूडेंट लाइफ है और डाउट्स ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो डाउट्स तो आते ही आते हैं, तो क्यों ना एक पर्सनल मेंटर मिले और उनसे जब भी डाउट्स पूछे, जब भी हम अवेलेबल हो, जब वो मतलब ऑब्वियसली वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आप उनसे डाउट्स पूछते रहो, है ना। तो फिर और क्या प्रॉब्लम है, मतलब स्कूल्स वगैरह के टाइम पे इस समय हम माना कि स्कूल्स खुल चुके हैं, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यार स्कूल ना जाएं, बिल्कुल यहीं पे रहें। उसके अलावा यू आर गोइंग टू फाइंड द वीकली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट मिलेगी कि आपने कितने सेशंस देखे, इनफैक्ट आपका पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कितने सेशंस देखे हैं, कितने क्विजेज आपने अटेंड करे हैं, क्विजेज में कितने कितने मार्क्स थे, आपका वीकली रिपोर्ट कैसे कैसे आप ग्रो कर रहे हो, एवरीथिंग। तो सोचो ना, मतलब प्रॉपर टाइम पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमेशा से बच्चों को ये लगता था कि भाई अरे यार ये तो हम नहीं कर पाएंगे, एंड हमें वो डंडा चाहिए होता है पढ़ने के लिए, हमें पीछे से कोई मारे, मतलब डांट जब तक नहीं लगती तब तक हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे जब आपको खुद सेल्फ इवैल्यूएट आप चीजों के करना सीखोगे, देखो बेस्ट पार्ट है आप खुद से इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने आप को, पहले मैंने आधा घंटा सेशन देखा था, अब मैं एक घंटा देखता हूँ, अब मैं चार चार घंटे सेशन देखता हूँ, तो यू विल सी ग्रोथ, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिखेगी विद दिस वीकली रिपोर्ट। पेरेंट्स कनेक्ट, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनको इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। देखो मेरे पेरेंट्स को मेरे टाइम पे बहुत अच्छा लगता था, है ना, मैं अपने बच्चों से डिस्कस भी करती हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं जो हमारे सेशंस देखते हैं, तो वो पेरेंट कनेक्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। स्टडी प्लानर, कैसे आपको चलना है, आप देखो लास्ट के 3 महीने आपके बच्चे हैं अगर देखा जाए बोर्ड्स को, मैं ये नहीं कहूंगी बोर्ड्स पोस्टपोन हुए नहीं हुए, इन बातों नहीं कर रहे अभी हम, अभी कम से कम लगाए तो 2.5 से 3 महीने से ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। वो एक प्रॉपर स्टडी प्लानर यू आर गोइंग टू गेट कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कितना रोज बढ़ना है, कि आपका सिलेबस जनवरी तक खत्म हो जाए, एंड फरवरी में यू विल बी लाइक अरे आई एम टोटली फ्री। उसके अलावा ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस, यानी कि सारे एजुकेटर के लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस, ठीक है। वॉट इज द टोटल कॉस्ट, एक नॉमिनल से छोटी सी कॉस्ट होती है इसकी, 6 मंथ की अगर हम बात करें एटलीस्ट, देखो अगर हमारे पेपर पोस्टपोन होते हैं या नहीं होते, हम रिकमेंड करेंगे कि बच्चों को कि एटलीस्ट सेफर साइड पे जाके गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। कॉस्ट कितनी है, 15,300। क्या इसमें सिर्फ बायोलॉजी मिलेगी? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है आपका, क्योंकि बायो के सेशन देख रहे हो तो बायो नहीं मिलने वाली, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग बायो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके सारे, ठीक है, लाइक दिस, अदर आर ऑल्सो देयर। अच्छा, ये कॉस्ट तभी मिलेगी व्हेन यू आर गोइंग टू यूज योर कोड, दैट इज CHLIVE, ठीक है, यूज कर लेना ये कोड चंडीगढ़ लाइव, आपकी शावी मैम का कोड है, एंड इससे आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू विल गो फॉर द नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, कि चलो यार ठीक है हमें नहीं लेना, हम थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए कि हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, मैम हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हमें लाइव सेशन मिल जाए, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाए, हम डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, हम अपने आप कर लेंगे वो वीकली प्लानर, ये सब चीजें, पेरेंट्स कनेक्ट, चलो ठीक है एक बार उसको हम साइड कर सकते हैं। बट अगर आप इस प्लेटफॉर्म के लिए जाते हो तो इसकी कॉस्ट और भी कम रहती है, कितनी, 3 मंथ्स की जो कॉस्ट है, जो मिनिमम आपको चाहिए चाहिए वो है 5,850 रुपये, ठीक है, आफ्टर यूजिंग दिस कोर्स CHLIVE, लाइक दिस 6 मंथ्स का, ये दोनों कोर्सेज हैं जो मैं रिकमेंड करूंगी अपने बच्चों को ले लो, ताकि अगर आपके CBSE के पेपर पोस्टपोन भी होते हो तब भी आप अपने टीचर के साथ कनेक्ट में रहोगी रहो, ठीक है एवरीवन। चलो, सो टोटल कॉस्ट आपको पता लग गई, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। बायोटेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। नाउ सबसे पहली बात, बायोटेक एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबको पता है ना बायोटेक का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोगों से रिवाइज करवाऊंगी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के अंदर क्या आप लोगों को याद है जो हमने बातें करी, या फिर हम आगे अलग बातें करें, ठीक है। चलो, अब देखो अगर बायोटेक के बारे में बात करें तो बायोटेक एक वैसा फील्ड है, आज के टाइम पे सबसे डाइवर्स फील्ड बायोटेक माना जाता है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, टिश्यू कल्चर कर रहे हो आप, बहुत चीजें इसके अंदर है। तो बायोटेक के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, जो आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जीन की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मेरा जीन डाल दिया भाई ईकोलाई के अंदर, मेरा जीन डाल दिया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के अंदर, सो हमने क्या किया है, बैक्टीरिया का अपना जीन को मॉडिफाई किया है, तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन गया, अब उस ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर सकते हैं इन वेरियस फील्ड्स, कौन कौन से फील्ड, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, आपका बायो रेमेडिएशन प्रोसेस हो गया, आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, आपका वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, इन सब के अंदर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा सकता है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मैं ये सब चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बने हैं,
थेरापूटिक्स, पीसीआर टेक्निक, एलाइजा टेक्निक, इसी पे बेस्ड है सारी चीजें। तो बायोटेक ना होती तो कुछ ना होता, बायोटेक ना होती तो आज भी हम वो इंसुलिन लगा रहे होते, एंड जिस इंसुलिन को लगाने के बाद जो रिएक्शंस हो जाती थी बहुत लोगों के बॉडी में, वो आज भी कंटिन्यू हो ही रही होती। बट विद बायोटेक बहुत सारी चीजें स्मूथ होती चली गई, एंड दैट्स द रीजन स्टूडेंट्स इतने ज्यादा बायोटेक के पीछे भाग रहे हैं। बायोटेक करनी है, बायोटेक करनी है, बायोटेक करनी है, बायोटेक करनी है, ठीक है। सो नॉट ओनली मेडिकल स्टूडेंट, नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हैं। चलो, अब बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड द बायोलॉजिकल यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। सपोज करो मेरे बच्चों ने आज घर बैठे बना लिया ये ईकोलाई, क्या बना ली, ईकोलाई, और इस ईकोलाई के अंदर हमने डाल दिया किसका जीन, छवि मैम का जीन डाल दिया जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये ईकोलाई क्या करेगा, इंसुलिन बनाता चला जाएगा, बनाता चला जाएगा, बनाता चला जाएगा, बनाता चला जाएगा। आप इस इंसुलिन को यहां से निकालना, यहां से एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करने के बाद बेटा इसको प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करने के बाद इसको लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, हम लोग करेंगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट करेंगे। ये सब चीजें हम बायोटेक एप्लीकेशन में हम देखने वाले। यहाँ पे सिर्फ मैंने कहानी गाई किसके बारे में, ईकोलाई के बारे में। सेम कहानी आपके अदर माइक्रोब्स को लेकर भी रहेगी, फंगस को लेकर, प्लांट्स को लेकर, एनिमल्स को लेकर यही रहेगी। सो कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन आपके थेरापूटिक्स में है। थेरापूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक का मतलब यह है किसी चीज को ट्रीट करना एंड किसी चीज को डायग्नोस करना कि किसको कौन सी बीमारी है, डायग्नोस्टिक, ठीक है। उसके अलावा आज के जमाने में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बनाए हैं जिन पे, जिनके ऊपर पेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ भाई पेस्ट अटैक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्टिविटी में, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अदर देन दैट प्रोसेस्ड फूड, अदर देन दैट द बायो रेमेडिएशन, अदर देन दैट द वेस्ट ट्रीटमेंट एंड द एनर्जी प्रोडक्शन, दीज आर द वास्ट फील्ड जिसमें आप वैसे सच्ची बताऊं तो करियर अपना परस्यू कर सकते हो विदाउट एनी डिले, ठीक है। ओके, थोड़ी सी बात भी कर लेते पहले, स्लाइड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैम, आई एम स्टडिंग दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रिया, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, पक्का वाला प्रॉमिस फॉर दैट। ओके नाउ हसीना मैम, बायोटेक की क्लास कंटिन्यू होगी ना? डेफिनेटली बेटा, बायोटेक की क्लास अब कंटिन्यू होगी। अच्छा गाइज, आज शाम को मैं एक क्विज कंडक्ट करने जा रही हूँ, दैट ऑन द स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी। मेरे जो प्रोफाइल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसकी शाम को लाइव क्लास होगी। जिस तरह प्लस में बोलते हैं ना, हम लाइव क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, तो आपको देखना है ना लाइव क्लासेस कैसे करी जाती हैं। तो आप नीचे देखोगे ना मेरी प्रोफाइल है, और मेरी प्रोफाइल को आपने डाउनलोड कर लेना, अनअकैडमी लर्निंग है, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। शाम को 7 बजे क्लास होगी, तो 7 बजे आपको साथ मिलती हूँ, ठीक है। ओके चलो, अरे पूरे सिलेबस का जनरल से क्वेश्चन मैं पूछूंगी, पूरे बायो से रिलेटेड, ठीक है, इंटरैक्टिव वे में, मजा आएगा आप लोगों को, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव, ठीक है। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। शाम को 7 बजे बेटा, 7 PM टुडे, ठीक है। ओके नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ देर आर 3 critical एरियाज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 3 critical एरियाज हैं, उनके बारे में ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने क्या किया बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ईकोलाई के अंदर एक अपना जीन डाल दिया। ये क्या है, ईकोलाई के अंदर क्या डाल दिया आपने, जीन, ठीक है। कौन सा भाई साहब है ये, ईकोलाई के अंदर। सो बायोटेक एप्लीकेशन के अंदर क्या आता है, बायोटेक एप्लीकेशन के अंदर ये आता है कि कैसे आपने एक सेल को बहुत सारे सेल्स बनाने हैं। Means what are you going to do? You are going to culture these cells. The very first thing is to culture these cells. सबसे पहले आपने क्या किया, ऐसे cells बनाने हैं। Cells बनाने के बाद उसको culture करना है। Culture करने के बाद ये gene जो product बनाता है, उस product को आप लोगों ने क्या करना है बेटा, isolate करना है। Product isolate. Are you getting my point? ये है आपका biotech application. ठीक है, तो यानी कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब्स और द प्योर एंजाइम। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव कर दिया आपने, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया गाइस।
आफ्टर दैट उनको एक ऑप्टिमल कंडीशन दोगे कि लो भाई ऑप्टिमल कंडीशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब चीजें हैं, आप भाई साहब अब शुरू हो जाओ एंड कल्चर करना शुरू कर दो। ठीक है, कल्चर करने के साथ साथ बेटा ये आपके प्रोडक्ट्स को भी बनाते रहेंगे, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके ये प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो सबसे पहली चीज जो मेरे को आप लोगों से डिस्कस करनी है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के केस में बायोटेक की क्या क्या एप्लीकेशन है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ ध्यान से मेरी बातों को सुनना। पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले की बात नहीं कर रही मैं, 20 25 50 साल पुरानी बातें कर रही हूं मैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत पुरानी बातें हैं, लोग बहुत सारे थे, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से जो नीड्स थी हर ऑर्गेनिज्म की इन टर्म्स ऑफ फूड वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसी की वजह से बहुत सारी चीजें को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इनफैक्ट पॉपुलेशन एकदम बढ़ी थी, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ी थी। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा, अरे यार हम क्या करें इस केस के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो सबको खाना प्रोवाइड करता है, जो सबको शेल्टर प्रोवाइड करता है, कि अगर खाना कम पड़ गया तो भाई वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस मच नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो अब क्या करें। तो उनके दिमाग में एक चीज आई, उन्होंने तब डिस्कवर हुआ था कि चलो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए हम कुछ मैन्योर खाद फर्टिलाइजर्स, स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स डालते हैं, और क्योंकि हमारी जो खेती बाड़ी है वो खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ द पेस्ट, एक काम करते हैं पेस्टिसाइड छिड़क दो। दे धनाधन बहुत सारा पेस्टिसाइड उन्होंने छिड़का, बहुत ज्यादा यू कैन से फर्टिलाइजर्स इन्होंने यूज करा, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे यूज, उसको कहते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, पूरा केमिकल डाल दिया पौधों के अंदर, फर्टिलाइजर्स डाले, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाले, पौधे बढ़ेंगे हमें जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा हमें फ्रूट देंगे, खराब ना हो इसकी वजह से पेस्टिसाइड डाल दिए। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गई, एकदम प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया था। फिर लोगों को एक्चुअली रियलाइज हुआ कि अगर हम ये एग्रोकेमिकल्स यूज करते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी पे रहता है, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए लोग फिर बदले, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो ऑर्गेनिक कल्चर करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब ये है प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होगी, बट ओवरऑल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाएगा, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाएगा, रादर देन एज अ फर्टिलाइजर मैन्योर्स वगैरह को यूज किया जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज किया जाएगा टू इंक्रीज द ओवरऑल न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ अ सॉइल। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आप देख सकते होगे कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टोर्स खुलते हैं, है ना, कि जिसमें लिखा होता है ऑर्गेनिक पल्सेस, आपने देखा होगा पैकेट्स में लिखा होता है ऑर्गेनिक पल्सेस है, ऑर्गेनिक रागी है, लोग भाग रहे हैं उनके पीछे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि देखो पॉजिटिव पॉइंट थे कि यार पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट, बट नेगेटिव पॉइंट ये था कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम थी, तो इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना खिलाना विद दिस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट हुआ। तीसरी जो चीज उनके दिमाग में आई थी वो था बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दो एग्रीकल्चर के अंदर। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस पॉइंट, कैसे उन्होंने क्या किया, ऐसे फूल पत्ते ऐसे पौधे बनाए जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा फ्रूट्स देते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा बायोटेक की मदद से ऐसे प्लांट्स बनाए गए जो आपके पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है। व्हाट आर दे, दे आर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, मतलब पेस्टिसाइड का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली पेस्टिसाइड का फर्क पड़ जाता है ना, आप लोगों को पता ही है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, उसके अलावा और कैसे प्लांट बनाए गए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, और ऐसा किया गया कि शॉर्ट टर्म पे ही, बहुत ही शॉर्ट टर्म पे ही वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई साहब ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, बायोटेक से पॉसिबल हुआ, अच्छी अच्छी ब्रीडिंग लेकर, अच्छे अच्छे प्लांट्स के प्लांट्स लेकर आए, उनकी ब्रीडिंग कराई, जीन का आइसोलेट किया, जीन डालना, ये करना वो करना, एवरीथिंग वॉज डन। So, उसको कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बारे में अब आप थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस थर्ड पॉइंट, वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर के अंदर, दैट इज अ बीटी कॉटन. सुना है सब लोगों ने, नाम सुना हुआ बीटी कॉटन का? यस, आज स्पेशल कैस्पले टेस्ट होगा बेटा. बीटी कॉटन का नाम सुना है? कॉटन है ये, नॉर्मल कॉटन, जिसको हम कॉटन रुई कहते हैं, नॉर्मल कॉटन है. बट इस कॉटन को हमने मॉडिफाई कर दिया, उस मॉडिफाइड कॉटन का नाम है बीटी कॉटन. आपको पता है कॉटन के अंदर पंगा क्या होता था? कॉटन के अंदर पंगा ये होता था कि बहुत सारे लेपिडोप्टेरन, यानी कि टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, या बहुत सारे कॉलियोप्टेरन जैसे आपके बीटल्स हो गए, या बहुत सारे डिप्टरन्स, ये सारे के सारे आके पूरी की पूरी खेती को बहुत गंदे वाला बर्बाद कर देते थे. बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि ये जो इंसेक्ट्स होते थे ये हमारे प्लांट्स को बहुत, मतलब हद लेवल वाला बर्बाद कर देते थे. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी. बॉल्स जो इतने सुंदर सुंदर व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे बॉल नहीं होते थे, वो खराब हो गए. क्यों? इंसेक्ट की वजह से हो गया. लेपिडोप्टेरन, ये सारे बेटा, ये जो अजीबोगरीब नाम दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट. आपके ऑर्डर है ऑफ द क्लास इंसेक्टा, दिस इज अ ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है बेटा. तो घर में उड़ने वाली मक्खी जो आती है वो डिप्टरन ऑर्डर में आती है. बीटल्स जो होते हैं, जो आपको, अरे क्या दिखते हैं वो छोटे छोटे बीटल्स, देखे होंगे आप लोगों ने, बड़े प्यारे देखने में, कई बार दूर से प्यारे लगते हैं, पास से अच्छे नहीं लगते वो. उसके अलावा बटरफ्लाईज वगैरह आती है लेपिडोप्टेरन में आती है, ठीक है. तो ये पंगा हुआ था तो बहुत ज्यादा बर्बादी फैली. तो साइंटिस्ट बड़े खराब, बड़े परेशान हुए. उन्होंने बोला अरे यार ऐसी खेती हमारी खराब होती रहेगी तो हमें कुछ करना पड़ेगा. फिर साइंटिस्ट ना कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, काम करते करते उन्होंने, वो किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वो काम करते करते उन्होंने देखा कि एक बैसिलस थ्रुंजियांसिस है. क्या है ये बैसिलस थ्रुंजियांसिस? उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है. गाइस व्हाट इज दिस? उन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है ये बड़ा चालू बैक्टीरिया है, ठीक है. इस बैक्टीरिया के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ये प्रोड्यूस करता है एक तरीके का प्रोटीन. क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन. ये प्रोटीन जब ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जब भी ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव ये जैसे ही हो जाता है, तब ये वाला जो प्रोटीन है इंसेक्ट को किल कर देता है. क्या कर देता है? इंसेक्ट को किल कर देता है. मतलब अगर कोई इंसेक्ट ने आकर खा लिया इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को तो वो इंसेक्ट मर जाए. ये देखा उन्होंने, साइंटिस्ट कुछ काम कर रहे थे. उन्होंने कहा काम करते हैं यार, ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया के जो जीन है, जो ये प्रोटीन बना रहे हैं ना, इस जीन को निकालते हैं और इस प्लांट में डाल देते हैं. बहुत बर्बादी फैला दी इन एनिमल्स ने, इन सॉरी इंसेक्ट्स ने. तो इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया से उस जीन को निकाला विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन, और प्लांट्स के अंदर डाल दिया. क्योंकि बैसिलस थ्रुंजियांसिस से वो प्रोटीन निकाला गया था, इसलिए नाम रख दिया बीटी कॉटन. ऐसे ही बीटी ब्रिंजल आ गया, बीटी टोबैको आ गया, बीटी टोमैटो आ गया, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए. नथिंग वॉज डन. बच्चे डरते हैं इस टॉपिक को पढ़ने में, मैम समझ में नहीं आ रहा, डरने की जरूरत नहीं है. बीटी कॉटन, दैट मीन्स अ कॉटन जिसमें जीन बीटी यानी बैसिलस थ्रुंजियांसिस का जीन डाल दिया, ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है. अब जैसे ही इंसेक्ट आएगा, ये इंसेक्ट देखो उड़ता हुआ आया, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये देखो ऐसा ऐसा कुछ उड़ता हुआ इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आके इस पे बैठा, खाने की कोशिश करेगा. जैसे ही खाने की कोशिश करेगा तो ये जो प्रोटीन होगा इनएक्टिव फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा. मजे की बात ये है कि ये इनएक्टिव होता है, बट ये एक्टिवेट कैसे होता है? ये एक्टिवेट हो जाता है बाय द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट. गट का जो एल्कलाइन पीएच होता है, उनके जो गट का जो पीएच होता है ना एल्कलाइन, वो केमिस्ट्री वाला एल्कलाइन एसिडिटी, तो उसके पीएच से एक्टिवेट हो जाता है. भाई सॉलिड समझ में आ गया, एक्टिवेट हो जाएगा, इंसेक्ट गया मर गया. अब एक इंसेक्ट मरा, दो मरे, दस मरे, बीस मरे, पड़ोसी को बोल देंगे इस खेत में मत आइयो, यहाँ पे इंसेक्ट मार देते हैं, मत खाना इनको. सो इंसेक्ट दे स्टार्ट अवॉइडिंग. भाई हमारी बीटी कॉटन तो भाई बड़े बड़े तरीकों से, अच्छे तरीकों से उग रही है, ठीक है, ठीक है. सुदीक्षा मैम किस वजह से एक्टिवेट होता है? बेटा ये एल्कलाइन पीएच, अभी बताती हूँ बेटा किस वजह से एक्टिवेट होता है, ठीक है, ठीक है बेटा. चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है. यहाँ पे जिस तरह मेरे बच्चों ने पूछा कि मैम वो एक्टिवेट कैसे होता है, लेट्स हैव अ लुक वो एक्टिवेट कैसे होता है. वो बेटा एक्टिवेट होता है ऐसे,
कि प्रोटीन हमेशा एक इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में रहेगा, बट जैसे इंसेक्ट उसको खाएगा तो इंजेस्ट करेगा जैसे इनएक्टिव टॉक्सिन को, तो वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सोल्युबलाइज द क्रिस्टल्स. ठीक है, खा लिया. अच्छा, उसके बाद ऐसा क्या वो प्रोटीन कॉज करता है उनकी बॉडी के अंदर, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या क्या हो जाता है ऐसा? वो डायरेक्ट जाता है उसके मिडगट के अंदर एंड उसके मिडगट के अंदर परफोरेशंस कर देगा. परफोरेशन कर देगा बेचारा इंसेक्ट, राम जी को प्यारा, है ना? सो दिस हैपेंस. ठीक है, सो इज इट क्लियर? बीटी कॉटन इज क्लियर टू गाइस? अच्छा, अब थोड़ी सी और बातें हम करेंगे. ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. मैं अच्छे से दोबारा से आपको चीजें समझाऊंगी, बस मेरे साथ एसोसिएटेड रहना, ध्यान से बेटो समझने की कोशिश करना. ये है हमारा क्या क्या है, ये है हमारा बैसिलस. बैसिलस थ्रुंजियांसिस है हमारा बैसिलस. क्या है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से हमने ऐसा जीन निकालना है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अ टॉक्सिन विच इज अ प्रोटोटॉक्सिन. Got my point? Nothing new. समझ में आ गया? Now, guys, ये जो जीन है, इस जीन का नाम क्या है? इस जीन का नाम है बेटा क्राई जीन, रोने वाला जीन. ठीक है, सो क्राई जीन जो था पहले निकाला ब्यासिलस से एंड डाल दिया इस जीन को किसके अंदर? कॉटन के अंदर. ठीक है, सो जीन का नाम क्या है बेटा? क्राई जीन, यानी कि रोने वाला जीन. रोना मतलब इंसेक्ट ना, बेचारे रो देते हैं, बेचारे खाते हैं और फिर उसका रोने लग जाते हैं, शायद इसीलिए इसका नाम क्राई जीन्स रखा होगा. ठीक है बेटा, बैक्टीरिया है बेटा, बैसिलस इज अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निकाले गए बेटा. दिस इज अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से वो जीन निकाला गया. ठीक है, और पता है नीट वालों का ना एकदम फेवरेट सा एक क्वेश्चन रहता है बैसिलस से रिलेटेड, मतलब इस पर क्वेश्चन जरूर आता ही आता है. ठीक है, चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, अब आपको ये बात बताओ, क्राई जीन के बारे में बात करें. क्राई जीन दो टाइप्स के होते हैं. अब आप बोलोगे मैम बस करो यार, कितना कितना अंदर जाओगे. हाँ जी, थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं ना बेटा. सो क्राई जीन दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? एक का नाम होता है रोना, किसके अंदर? एसी के अंदर, क्राई एसी. ठीक है, और दूसरा होता है क्राई ए बी. अब इसको अपने आप समझा लो कि भी कैसे लिखोगे आप. क्राई ए बी एंड गाइस क्राई ए सी, दीज आर द टू जीन्स. ठीक है, नाउ द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन क्राई ए सी एंड क्राई ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वर्म. दैट ऑफ क्राई ए बी कंट्रोल द कॉटन बोरर, कॉटन कॉर्न बोरर. ये जो होता है बेटा कॉटन के कॉर्न बोरर को मारता है. ठीक है, एंड दोनों स्पेसिफिकली किसको किट किल कर देते हैं? आपके बॉल वर्म को किल कर देते हैं. दोनों बॉल वर्म को किल करते हैं, अकेला ए बी वाला जो प्रोडक्ट होता है ये कॉटन कॉर्न बोरर को मार देता है. ठीक है, इन सब के अगेंस्ट बड़ा सॉलिड होता है. ठीक है, अब नीट के अंदर क्वेश्चन कैसे आया है? नीट के अंदर क्वेश्चन आया है कि अगर हम बात करते हैं बीटी कॉटन में, तो बीटी कॉटन जो है वो कैसे एक्टिवेट हो जाता है, है ना? ये प्रोटोटॉक्सिन कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं? मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन आया है ना आपकी नीट के अंदर कि आप पूछ नहीं सकते. क्या है? एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट. तो ये याद रहेगा मेरे बच्चों को, जीन का नाम याद रहेगा. दूसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आता ही आता है, आप उठा लेना अपने लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन, उठा लो नीट की बात है, आपकी सीबीएसई में उठा लो, आपके सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था. सोचो तो क्राई जीन का नाम भी याद रखना, रोने वाला जीन. ठीक है, कॉटन के अंदर डाल दिया वो रोने वाला जीन. किसके अगेंस्ट ये फंक्शनल है? बॉल वर्म्स के अगेंस्ट एंड द कॉर्न बोरर के अगेंस्ट. ठीक है, तीन क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज. बड़े क्वेश्चन तो इसमें से कितने भी निकल सकते हैं. ठीक है, अच्छा और क्या करता है ये जो टॉक्सिन होता है? एल्कलाइन पीएच से एक्टिवेट होगा तो उसके जो मिडगट के अंदर ना बहुत सारे परफोरेशन, छेद छेद कर देगा, मतलब छलनी कर देगा बिल्कुल. ठीक है, क्लियर बेटा? चलो दैट्स गुड. मेरे बच्चों को साथ साथ क्लियर हो रहा है ना, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. अगर नहीं हो रहा तो ना तो फिर मुझे टेंशन हो जाती है यार, क्लियर नहीं हो रहा. चलो चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ वी हैव अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऑल्सो. ठीक है, वी हैव पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऑल्सो, लेट्स टॉक अबाउट दीस. अभी तक क्या था?
हम बात कर रहे थे कि आपके हमने जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है आपके प्लांट्स के अंदर, एंड उसके अलावा जब भी उसके ऊपर इंसेक्ट आते हैं तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ऐसे ही हमने कुछ और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाए हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। गाइस ये किसकी खेती हो रही है, कोई बताएगा ये जो प्रॉपर एग्रीकल्चर फील्ड है ये किस चीज का एग्रीकल्चर फील्ड है? एनीबडी? हाय रवि रंजन कुमार, चलो गाइस जल्दी बताओ ये किस चीज की खेती हो रही है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? जल्दी बताओ, बोलते बताओ बताओ एवरीबॉडी, व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके आई विल टेल यू, हियर एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज अ टोबैको, जिसको हम हिंदी में टोबैको कहते हैं ना, दीज आर द टोबैको लीव्स बेटा, ये टोबैको लीव्स हैं आपकी विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, नाउ टोबैको के पास, टोबैको आपको पता है वर्ल्ड वाइड बहुत यूज किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं टोबैको से रिलेटेड। बट टोबैको के साथ दिक्कत ये रहती है कि टोबैको की यील्ड बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती थी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत हद वाली अफेक्ट हो जाती थी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस भाई साहब, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मेलिडो गाइने इनकॉग्निटा। मेलिडो गाइने इनकॉग्निटा इज वॉट? इट इज अ नीमेटोड। ये भाई साहब का नाम है मेलिडो गाइने इनकॉग्निटा विच इज अ नीमेटोड। सो ये नीमेटोड इस प्लांट्स को में बहुत ज्यादा वाली बर्बादी फैलाते थे। ठीक है, कैसे बर्बादी फैलाते थे? क्योंकि ये कॉज कर देते थे कुछ कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, रूट नॉट डिसीज कॉज कर देते थे। हो गई रूट नॉट डिसीज, हो गई रूट के अंदर देखो नॉट्स लग गई है, गांठे 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 आपको दिख रही है, रूट नॉट डिसीज वो कॉज कर सकते थे। साइंटिस्ट फिर परेशान, कहते अब क्या करें? उन्होंने एक नोवल स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, उस नोवल स्ट्रैटेजी का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। ये बुक्स में बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट समझ में बच्चों को काफी कम आता है कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या स्ट्रैटेजी है, जो आफ्टर दिस क्लास आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेलिडो गाइने इनकॉग्निटा बेटा, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस से हमने ऐसे प्लांट्स बनाए कि जैसे ये भाई साहब उसको खाने आएंगे इन भाई साहब मर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन है? एक नीमेटोड है, नीमेटोड का नाम मेलिडो गाइने इनकॉग्निटा, बड़ा बर्बादी फैला रहा है हमारे ये खेतों के अंदर। ठीक है, यहां है हमारे ये पत्ते प्लांट्स, किसके प्लांट्स है ये हमारे? ये है हमारे टोबैको के प्लांट्स। किसके हैं? टोबैको के। ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, नाउ ये जो थे नीमेटोड इसको खा रहे थे, खत्म कर रहे थे। साइंटिस्ट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाते हैं जिसकी वजह से ये नीमेटोड के अंदर जो उसको सरवाइव करने वाला यानी कि उसको जिंदा रखने वाला जो जीन होगा, उसके जिंदा रखने वाले जीन को क्या कर देते हैं बेटा? स्विच ऑफ। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्विच ऑफ दिस जीन, इस पूरे जीन को गाइस स्विच ऑफ कर देते हैं जो इसको सरवाइव कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, इस नीमेटोड को सरवाइव कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरे जीन को खत्म कर देते हैं तो क्या रहेगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यानी कि अगर सर्वाइवल वाला जीन निमेटोड के अंदर गया तो निमेटोड विल डाई। ठीक है, निमेटोड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। फिर आप अपने पड़ोसी, मामा मामी, मौसी बुआ जो निमेटोड के होंगे उसको जाके वो कह देंगे कि इस खेत में मत आओ, यहाँ पे मर जाएंगे। वैसे खाने की बात तो मर ही जाएगा, क्या कहेगा बोल के, चलो इट्स जस्ट अ जोक। हाँ बेटा, सेकेंड वाली रवि रंजन रूट की पिक है बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने एक नोवल स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जिसको हम कहते हैं आज आरएनए इंटरफेरेंस। अगर यहां पे अगर ये टॉपिक समझ में आ गया ना तो लाइफ लॉन्ग भूलोगे नहीं आप, तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस से कान में हेडफोन्स लगा के ध्यान से सुनना कि मैम क्या कहना चाहती है। टोबैको प्लांट के अंदर एक जीन को डाल दिया, कौन सा जीन था? ये जीन निकाला गया था किससे? मेलिडो गाइने इनकॉग्निटा से, हमारे नीमेटोड से निकाला गया था। ये जीन नीमेटोड के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो भाई निकाल लिया, जीन निकालने के बाद ये जीन टोबैको के अंदर डाल दिया, जीन इन टोबैको। ध्यान से मेरी बात सुनना,
जीन इन टोबैको, टोबैको के अंदर हमारा जीन पहुंच गया, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया सबको? जीन पहुंच गया टोबैको के अंदर. नाउ व्हाट वाज डन नेक्स्ट? क्या हुआ ऐसा टोबैको के अंदर? टोबैको के अंदर देखो जीन कैसा होता है बेटा, ये होता है जीन, है ना, डबल स्टैंडर्ड जीन होता है ना, ऐसे 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 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जीन मतलब सीक्वेंस ऑफ डीएनए. यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड भी और ये वाला स्ट्रैंड भी क्या करता है, दोनों का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद दो आरएनए बनेंगे, एक को कहेंगे सेंस आरएनए और दूसरे को कहेंगे बेटा एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए. ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हम देखा जाए ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें से 3' to 5' वाला स्ट्रैंड ही आगे जाके एमआरएनए बनाता है. कंडीशन इन्होंने ऐसी बना दी कि दोनों स्ट्रैंड जो इस जीन के थे, बोथ द स्ट्रैंड्स दे कैन मेक एन आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. हो गया, आगे समझ में, दोनों आरएनए बन गए, यानी इसका ऊपर वाले का भी आरएनए बन गया और नीचे वाले स्ट्रैंड का भी आरएनए बन गया. आपको पता है ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? आपको हाँ मैम, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियस ही बात है. तो फिर ये वाला स्ट्रैंड एंड ये वाला स्ट्रैंड भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा. बात आ गई समझ में मेरे बच्चों को? चलो, तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में आके चिपक जाएंगे. क्या चिपक जाएंगे? इसको कहेंगे हम डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए, ठीक है? अब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट दिया गया, छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ दिया गया. क्या कहेंगे इसको? डाइसर से इसको कट कर लिया गया. कट करने के बाद ये जो छोटे छोटे बेटा हमारे पास बच रहे हैं ना बेटा, व्हाट डू वी कॉल इट? वी विल कॉल देम एज अ एस आई आर एन ए. क्या कहेंगे बेटा इसको? एस आई आर एन ए. What is the full form of siRNA? Life में नहीं भूल लोगे आप ये बातें, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? Small interfering RNA. Let me write for your convenience. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे small interfering RNA. ठीक है, अब ये वाला जो बेटा स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, जो छोटा सा ऐसा ही आरएनए है, इनके पास आके एक भाई साहब जुड़ जाएंगे. उन भाई साहब का नाम है राइबोन्यूक्लियस. क्या नाम है बेटा इनका? राइबोन्यूक्लियस, आरएनए वाला एंजाइम बेटा, ठीक है? ये जब आके बेटा जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ये बनाते हैं आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स. क्या बनाते हैं? आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स. आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स का मतलब है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, व्हाट डू वी कॉल इट? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, ठीक है? समझ गया? ये सब चीजें कहाँ होगी? टोबैको के अंदर. अब ये आर आर आई एस सी जो कॉम्प्लेक्स है ना, बैठा रहेगा टोबैको के अंदर, बैठा है बैठा है बैठा है बैठा है, इंतजार करेगा. जैसे ही निमेटोड आएगा और इस प्लांट को खाएगा, तो आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी में जाएगा और उसके आरएनए को मार देगा, विच इज सर्वाइवल फॉर देयर, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, है ना? सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? दिस इज हाउ द थिंग्स हैपेंस. सो व्हाटएवर वी हैव डन सो फार, लेट्स सी. सबसे पहले वी हैव इज अ नेमेटोड. नेमेटोड से हमने जीन निकाला. जीन वी हैव इंसर्टेड इनटू द टोबैको. टोबैको के अंदर वो जीन गया. जीन वो जो होगा वो दोनों ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट करेंगे. सेंस आरएनए बनेगा, एंटी सेंस आरएनए बनेगा. एंटी सेंस आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, फिर उनको कट कर दिया जाएगा बाय डाइसर. देन उसके अलावा एसआई आरएनए बन गया, एसआई आरएनए बना जाएगा आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स. वो वेट करेगा, जैसे ही नेमेटोड आया नेमेटोड को खत्म कर देगा, नेमेटोड मर जाएगा. क्यों? आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स जैसे ही गया नेमेटोड के अंदर, तो नेमेटोड के सर्वाइवल, उसको जिंदा रखने वाला जो एमआरएनए होगा ना, वो साइलेंस हो जाएगा. तो इसको कहेंगे साइलेंसिंग. हमने क्या कर दिया बेटा? जीन को साइलेंस कर दिया, उसको आगे करने ही नहीं दे रहे, फंक्शन ही नहीं हो रहा बेटा ये, ठीक है? इज इट क्लियर?
यस गाइज, यस, क्लियर क्लियर क्लियर। ये बताओ मैम, चमक गया चमक गया चमक गया गाइज। इससे अच्छे वे में कहीं नहीं समझ में आने वाला आप लोगों को। सो जस्ट हैव सम पेशेंस एंड बहुत अच्छे से आपको चीजों को करना ही करना है, ठीक है। चलो, एनी अदर डाउट यू गाइज हैव? चमक गया, यस चमक गया, आकृति को भी चमक गया, रवि जी को भी चमक गया। एनी अदर स्टूडेंट्स जिसको नहीं चमका तो दे कैन आस्क मी अगेन, ठीक है। बड़े प्यार से बड़े दिल से पढ़ा रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी एक क्वेश्चन को ना बड़े दिल से अटेम्प्ट करके आए, है ना। हम मेहनत करते हैं इतने दिल से आके आप लोगों के साथ। गॉट इट? यस मैम दिव्यांशु, ठीक है, बाद में रिकैप जरूर करा दूंगी अभिषेक, ठीक है। क्लियर बेटा, सबको क्लियर हो गया? सो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक था आपका बीटी कॉटन और दूसरा था आपका ये एंटीसेंस आरएनए वाला टेक्नोलॉजी, यानी आरएनए इंटरफेरेंस इन टोबैको। सो ये दोनों बनाए गए, समझ में आ गई। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। मैम मैं एक लड़की हूं अपने पापा के फोन से पढ़ रही हूँ। ओके बेटा, दैट इज सो ग्रेट, गुड 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 ग्रेट, ठीक है। सो कल का टाइमिंग भी यही रहेगा आपकी, 1 बजे क्लास होगी एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। बिकॉज विदाउट शेयरिंग देर इज नो केयरिंग एंड नो केयरिंग दैट मीन्स इट इज नॉट गुड, सो यू आर गोइंग टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलो ऐसे ही हमने क्या किया है, बड़े चालू हम लोग। हमारे पास पहले अपनी मम्मी से पूछना, पहले जो टमाटो आते थे ना वो टमाटो ना बड़ी जल्दी खराब हो जाते थे। मतलब आप लगाओ कि अगर आज टमाटर लिए ना वो 2-3 दिन के अंदर सड़ जाएंगे। तो मम्मियाँ क्या करती थी, 1 पाव आधा किलो थोड़े थोड़े टमाटर लेती थी। क्यों? क्योंकि यार टमाटर बड़े बड़े खराब हो जाएंगे, देखो थोड़े दिन बाद। ऐसे टमाटर आप कितने सुंदर सुंदर लेते हो, थोड़े दिन बाद उनकी हालत हो जाती है ऐसे, ठीक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यार ये तो बर्बादी है। क्यों? अरे खेतों से टमाटर निकलेगा, वहां से लोगों तक पहुंचते पहुंचते तो यार वो तो खराब हो जाएगा। क्यों? खेत दूर, कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं खेतों से लेकर अपने घरों तक पहुंचने में, है ना। ट्रांसपोर्ट में आता है, फिर मंडियों में जाता है, मंडियों से ट्रांसफर होके मंडियों से हम खरीद के आते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इशू था साइंटिस्ट के लिए। और उन्होंने देखा टमाटर खराब हो रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि ये जो टमाटर है ना, ये जो टमाटर ऑर्डिनरी टमाटर है, ये क्यों खराब हो रहा है? ये इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि टमाटर ना बड़ा सॉफ्ट हो जाता था। क्या हो जाता था? सॉफ्ट हो जाता था। सॉफ्ट होने क्यों होता था? क्योंकि इनमें जो एक एंजाइम था ना वो बड़ा परेशान करता था। वो एंजाइम का नाम था पॉली गैलेक्टो यूरोनेस। ये जो एंजाइम था ना बड़ा ही परेशान करता था, इसकी वजह से सॉफ्ट नहीं हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता था, इनकी जो सेल वॉल होती थी वो सेल वॉल को बेटा इनकी सेल वॉल को बेटा ये डिग्रेड कर देता था। सेल वॉल को डिग्रेड हो गया, टमाटर सॉफ्ट हो जाता था। फिर हम इतने परेशान यार, फिर मम्मी अगले दिन दूसरे दिन टमाटर खत्म हो गए, टमाटर ले आना। सो दैट वाज एन इशू, अपनी पेरेंट्स से ये बात पूछना, ठीक है। सो दैट वाज एन इशू। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कहा कि ये काम करेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हटाओ इस जीन को। बस दिस इज व्हाट दे डिड, पॉलीगैलेक्टोरस जीन को साइलेंस कर दिया। जब साइलेंस कर दिया, टमाटर को रखा 45 दिन तक फ्रिज में, भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ये देखो, नथिंग हैपेंड। क्या नाम है इसका? फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टमाटर, ठीक है। आज भी आप देखते होगे कि कितने टाइम में टमाटर हमारे फ्रिज में पड़े रह जाते, खराब नहीं होते। वो 2 तरह के टमाटर होते हैं, मम्मी से पूछना कभी, कहते थे मम्मा एक शिमला वाले टमाटर है और एक दूसरे हमारे देसी टमाटर है। देसी टमाटर खराब हो जाते थे 2-3 दिन में, सॉफ्ट हो जाके खराब हो जाते थे। शिमला वाले टमाटर पड़े रह गए, ठीक है, नथिंग हैज हैपेंड, पड़े हैं। मम्मी ने ले लिए 4-5 किलो ले लिया, अरे कोई बात नहीं बेटा, खराब नहीं होते। सो दैट इज अ फ्लेवर फ्लेवर वैरायटी ऑफ टमाटो, बिकॉज दैट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो। गाइस पता है अब इन टमाटर के पीछे ना बहुत सारे और राज भी हैं। अगर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करें ना तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जो हम जल्दी आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगी। Yes, अच्छा इसमें बेटा याद रखना इस जीन का नाम पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज। एंजाइम का नाम बार बार आया बेटा, तो हमेशा अपने दिमाग में इसको चमका लो, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रही हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसे ही राइस इंगो पॉट्रिकस जी के अवेलेबल है, जिनका नाम है गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड गोल्ड है, बिल्कुल गोल्ड के राइस हैं और कान में इयररिंग्स बना रहे हैं हम, उसके रिंग्स बना रहे हैं, वो वाले राइस नहीं. इट्स जस्ट दैट इस राइस का कलर है येलो, येलो येलो डर्टी येलो. राइस का कलर क्या है? येलो येलो. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, ऐसे राइस किसी ने खाए हैं क्या? ठीक है, फेल वन वेराइटी. मैम व्हाट इज एंजाइम नेम? रेनू बेटा एंजाइम का नेम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेस. अच्छा एक बात बताओ तो सही. अच्छा गाइस बातें करो थोड़ी सी, लेट्स इंटरैक्ट यार, कि ऐसे एंजाइम सॉरी ऐसा राइस खाएं कभी, येलो कलर के राइस? अरे बहुत सारे राइस मिलते हैं, ब्लैक राइस बहुत फेमस है हमारे इंडिया के, ये ब्लैक राइस है, बासमती राइस तो फेमस है ही, ऐसे हमारे ब्लैक राइस भी होते हैं जिसकी बहुत अच्छी खीर बनती है ना. आई हैड दैट ऑल्सो वंस. तो नॉर्थ ईस्ट में काफी फेमस है ब्लैक राइस, वेरी गुड. हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है. नहीं मैम नहीं खाए, कई बच्चों ने खाए भी है. आए कब खाओगे? मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है. देखो पता क्या था, एक चीज देखी गई थी कि जो लोग होते हैं ना उनके अंदर ना वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा देखी गई. ठीक है, और आपको पता है वाइटामिन ए हमारी आंखों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ना. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कहते हैं कि चले काम करते हैं, व्हाइट राइस के अंदर जीन डाल देते हैं. किसका? वाइटामिन ए का. तो वाइटामिन ए किससे बनता है? वाइटामिन ए बनता है बीटा कैरोटीन से. तो उन्होंने बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया बेटा इसके अंदर. जैसे ही डाला इनका कलर पता क्या हो गया था? पीला. ठीक है, बीटा कैरोटीन नॉर्मली लीफ प्रोड्यूस कर रहा है इनफ अमाउंट में, बट इनमें एंडोस्पर्म के अंदर नहीं मिलेगा. तो इसी वजह से इन्होंने बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया. बस इतनी सी काम करी, कहते तो हम इतनी सी काम है, बट दिस इज नॉट अ डे वर्क और अ टू डे वर्क, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है बेटा. ठीक है, प्लास्टिक राइस. हाँ ना, हाँ ब्लैक राइस. अभिषेक देखना ब्लैक राइस बहुत अच्छे, मतलब दे आर वेरी गुड. वंस आई वेंट टू इंडोनेशिया, बाली गए थे, तो वी हैड दैट ब्लैक राइस ऑल्सो. नाइस गुड. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? सो कुछ नहीं किया इन्होंने, बीटा कैरोटीन का जीन उठा के इसमें डाल दिया. इट इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट क्योंकि इसका जो बीटा कैरोटीन का कंटेंट है दैट इज लेस. तो इसी की वजह से बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं कि इसको मार्केट में लाया जाए या नहीं लेकर जाए. ठीक है. अच्छा गाइज, हैव यू मार्क्ड योर अटेंडेंस? लाइक करा या नहीं किया? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, फटाफट से लाइक कर लो यार, बिकॉज योर लाइक्स आर माई एटीपी. मुझे तो एनर्जी मिल जाती है आपके लाइक से. ठीक है चलो, ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लाइकिंग. चलो अब आगे बात करते हैं. ठीक है, तो बीटा कैरोटीन जो होता है नॉर्मली बेटा, यहीं पे एवरीथिंग इज रिटन, आपको पीडीएफ मिल जाएगी. बीटा कैरोटीन जो होता है बेटा, ये एंडोस्पर्म में नहीं होता था, ये लीफ में बहुत ज्यादा होता था बीटा कैरोटीन, विच इज अ प्रिकर्सर फॉर द वाइटामिन ए. ठीक है ना, एंड फिर उन्होंने एंडोस्पर्म के अंदर उसका जीन डाल दिया. बट इट्स एन ऑल्टरनेटिव, लाइक आप लगा लो ना कि गोली खा रहे हो वाइटामिन की, सीधा यही काम कर लो, है ना, कितना अच्छा रहेगा ना वो चीजें. आपने खीरा खाया, जैसे ही खीरा खाया, खीरे के अंदर था आपका इंसुलिन का जीन, तो मतलब इंसुलिन, सॉरी नॉट जीन, इंसुलिन था. अब आपने खीरा खाया तो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ रहा. तो दीज आर द फ्यूचर. एक्चुअली बायोटेक में ये क्या है यार, दीज इज द फ्यूचर ओनली, आर फ्यूचर ओनली, है ना. सो ऐसी चीजें अब आएंगी विद टाइम, आएंगी पर ये टाइम लेते हैं यार, इट टेक्स टाइम. आपको पता है ना, वी ऑल वर वेटिंग फॉर वैक्सीन. हैप्पी दिवाली मेरे बच्चा. चलो, वी ऑल वर वेटिंग फॉर वैक्सीन फ्रॉम वेरी लॉन्ग. फाइजर जो कंपनी हमारी ले ली, उन्होंने बना दी हमारी वैक्सीन, बट वैक्सीन इज रेडी, बट उसको कैसे यूज किया जाएगा, कैसे उसकी मास प्रोडक्शन होगा, बहुत सारी चीजों को भी देखना है. तो कब तक हमारे पास आती है? सो चीजों को टाइम लगता है ना. तो ऐसे ही अगर आपने आज रिसर्च करी, जैसे मेरे सारे बच्चे हैं, मेरे सारे साइंटिस्ट जो हैं, है ना, रवि रंजन जी, जैसे डॉक्टर रवि रंजन है हमारे, तो रवि रंजन ने क्या किया, कुछ डिस्कवर किया. डिस्कवर करने के बाद बेटा अगर आप उस चीज को लगोगे ना कि मेरे मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हर कोई कंज्यूम करे, तो उसमें भी 7 से 8 10 साल लग ही जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको पहले क्या किया जाएगा, देखो आपने क्या किया, कोई प्लांट बनाया, ठीक है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया. प्लांट बनाने के बाद उसको IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट उनको ग्रो करेगा. ग्रो करने के बाद उसको जगह जगह, मतलब अलग अलग हैबिटेट्स में ग्रो किया जाएगा, माउंटेन पे, इधर उधर. फिर उनका रिएक्शन देखा जाएगा, फिर उसमें जो आपने क्वालिटी दे दी है कि पर्टिकुलर चीज उसके अंदर है, उसको चेक किया जाएगा कितना है या नहीं है. फिर उसके बाद उसके सीड्स प्रोड्यूस होंगे, फिर उसको मार्केटिंग करी जाएगी. सो इट टेक्स टाइम गाइस, इट टेक्स टाइम.
चीजों को टाइम लगता है, ठीक है, वेटिंग, इवन आई एम वेटिंग फॉर वैक्सीन, जल्दी आ जाए बस। हैप्पी दिवाली मेरे बच्चों, यस हिमांशु, हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय साइड, एंड सीरियसली आई एम गोइंग टू प्रे फ्रॉम माय साइड कि मेरे सब बच्चों के सीबीएसई का जो एग्जाम होना चाहिए एकदम सॉलिड जाना चाहिए, एंड डेफिनेटली मुझे जरूर बताना कि हाउ वाज योर एग्जाम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्या किया हमने, एक प्लांट बनाया, उस प्लांट का नाम है ब्रासिका। ब्रासिका सुना है ना, सरसों, ब्रासिका नेपर सुना है ना बेटा, सरसों, ठीक है, सरसों, अरे यार सरसों यार, जिसको अब साग बन रहा है, सर्दियां आ रही है, मम्मी पापा, मम्मी तो क्या करती है, कितना साग ही खिलाते हैं, बट सर्दियां आते हम हरा हरा ही खाते रहते हैं, है ना। सो उन ब्रासिका के बारे में बात करी, तो आप लोगों को पता है ना कि हमने क्या किया है, इस ब्रासिका के अंदर जीन डाल दिया है किसका, हिरुडिन का। किसका जीन डाल दिया बेटा हमने, हिरुडिन का। हिरुडिन किस में होता है, हिरुडिनेरिया, लीच वाला, सेम वही बेटा, वही हमने इसके अंदर डाल दिया। हिरुडिन क्या करता है, एंटीकॉगुलिन की तरह एक्ट करता है। आपको पता है जब लीच हमें सक करती है, जब हमारा खून चूसती है, तो वो हिरुडिन को हमारी स्किन पे फेंक देती है, और ताकि हमारा ब्लड यहाँ पे कॉगुलेट ना हो, वो कंटिन्यूस ब्लड सक करे, करती रहे करती रहे, इसलिए उसे वो हिरुडिन छोड़ देती है। तो यानी कि वो ब्लड को कॉगुलेट नहीं होने देता। पर अगर आज की दिक्कत देखी जाए तो मेजर जो स्ट्रोक्स आते हैं, ये ब्रेन वाला स्ट्रोक हो गया या कुछ भी, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ब्लड वहां कॉगुलेट हो गया। ब्लड कोगुलेट हो जाता तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है ना, ब्लड कोगुलेट हो गया बेटा तो दिक्कत ही दिक्कत, क्यों, क्योंकि स्ट्रोक आ जाएगा यार, स्ट्रोक आ गया तो भाई हम गए, ठीक है। तो अब हमने क्या है, ऐसे ब्रासिका बनाया है, ऐसे सरसों बनाई है जिसके अंदर हमने हिरुडिन का जीन डाल दिया, ठीक है। सो ऐसी प्रॉब्लम से हम बहुत जल्दी पीछा छुड़ाने वाले हैं, ठीक है। सो इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर द थ्रोम्बोसिस, इट इज एन हाई थेरेप्यूटिक वैल्यू, एंड इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर द थ्रोम्बोसिस के लिए यूज किया जाता था, एंड इट इज अ इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आपको पता है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग वाला थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिनोजन से थ्रोम्बिन वाला, ये वो वाला है, ये इनहिबिट कर देता है, क्लॉटिंग नहीं होगा। थ्रोम्बिन क्रोटिन में इन्वॉल्व होता था, ब्लड क्लॉट हो जाता था, खून जरा से चोट लगती है खून निकलने लग जाता है, फिर उसका चिपक जाता है, अपनी जगह पर रह जाएगा, उसको कहते हैं थ्रोम्बिन वाली रिएक्शन। याद आई यार, दो रिएक्शन पड़ी थी हमने, पाथवेज, टू पाथवेज। ऐसे हिरुडिन अगर उसके ऊपर डाल दोगे तो वो क्लॉट मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद खून बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सरसों मतलब मस्टर्ड, यस, ठीक है, यस मैम, सरसों इन करी फिश, अरे क्या बात है, चलो चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब तो आगे क्या बढ़ना, आगे तो कल ही बढ़ेंगे, अब आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। अरे यार एग्जैक्ट टाइम पे 5 मिनट पहले हमने वाइंड अप किया, दैट्स गुड। चलो गाइज, दिस इज अ क्लास सेशन फॉर द क्लास 11th, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सेशन फॉर द क्लास 12th। गाइज कल भी आपकी 1 बजे क्लास होगी, कल हमारी छोटी दिवाली है, आज हैप्पी धनतेरस है, सो मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस फ्रॉम अन अकेडमी फैमिली टू यू गाइज, एंड भगवान करे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आए, वेल्थ आए, ठीक है, प्रोस्पेरिटी आए, एंड जो ये छोटी छोटी लाइट्स हैं, ये जो चीजें हैं जो हम करते हैं, हाँ सेफ दिवाली खेलनी है, नो पटाखास दिस टाइम, एंड ठीक है, सो जस्ट डोंट पोल्यूट योर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बिल्कुल पोल्यूट नहीं करना, क्योंकि कितना ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है ना, सो वी हैव टू अवॉइड दैट। ऑलरेडी यार कोरोना से मिल रहे हैं, मर रहे हैं, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, ऊपर से आप पॉल्यूशन और फैलाओगे, सो डोंट डू दैट। पर्सनल मैसेज है मेरी तरफ से आप सबको, एंड हैप्पी दिवाली गाइज, हैप्पी दिवाली, कल भी मिलेंगे यार, कल करेंगे फिर से हैप्पी दिवाली, ठीक है। सो गाइज दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल livedaily.me/chat, एंड गाइज व्हाट, अगर आपको ये सेशन पसंद आया ना, तो पहली चीज यू आर गोइंग टू डू इज लाइक, सेकेंड थिंग इज यू आर गोइंग टू शेयर, थर्ड थिंग इज अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो उसको मार्क कर लेना अपने वहां पे, जैसे आपने लाइक कर दिया, लाइक वीडियोस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप एग्जाम के टाइम में या फिर एक दो बार अगर इस वीडियो को उसको देख लोगे, तब आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा गाइस, शाम को होने वाली आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है, 7 बजे स्पेशल क्लास होगी, तो 7 बजे जरूर आ जाना, ठीक है। सो गाइज दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, जो आप सब्सक्रिप्शन लेकर भी आ सकते हो, वेर यू कैन इंटरैक्ट, लाइव पोस्ट, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब मिल जाते हैं विद अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। हेयर यू विल फाइंड द वर्ल्ड बेस्ट एजुकेटर्स, वो आपको पता ही है, इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं,
ठीक है गाइज, गो फॉर सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी डिले, बिकॉज रिविजन कोर्सेज अब आ चुके हैं आप लोगों के लिए. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारी तरफ से आया है जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस अब दोबारा से कराएंगे विद PYQs प्रैक्टिस. बस आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे द रिबन ऑप्शन ऑफ प्लस 11th एंड 12th चूज एंड देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन. गाइज व्हाइल सब्सक्राइबिंग टू आर प्लेटफॉर्म डू यूज द सब्सक्रिप्शन कोड CHLIVE. दिस विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. ठीक है, हैप्पी दिवाली मेरे बच्चों, हैप्पी दिवाली गाइज. ठीक है चलो अभी वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द PDF. प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, यू आर गोइंग टू शेयर. आज के बच्चे, आज के अगर देखा जाए तो हार्डली 20-22 स्टूडेंट्स लाइव थे, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो एंड कल अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को लेकर आना, एंड कम से कम 50 स्टूडेंट्स मुझे लाइव चाहिए कल के सेशन में, है ना. अदरवाइज यार कोई पॉइंट ही नहीं है ऐसी क्लासेस कनेक्ट करने का, मिनिमम 50 स्टूडेंट्स आई रिक्वायर. चल टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइज, एंड डू यूज द सब्सक्रिप्शन कोड CHLIVE टू गेट डिस्काउंट. Bye guys, take care, thank you so much.